सियासी कयासों के अनुरूप बॉलीवुड शॉटगन और भाजपा के शत्रु को पीएम मोदी का विरोध करना काफी महंगा पड़ा। इस बार भाजपा ने उन्हें पटना साहिब से लोकसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया है। उनकी जगह केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को पार्टी ने बतौर उम्मीदवार मैदान में उतारा है। अब वहां से रविशंकर प्रसाद एनडीए प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा लंबे अरसे से केंद्र सरकार और पीएम मोदी की नीतियों के विरोध में मुखर होकर बोलते रहे हैं। कई मौकों पर तो उन्होंने सरकार की खिंचाई करने में विरोधी दलों को भी पीछे छोड़ दिया। कभी राजद तो कभी आम आदमी पार्टी व टीएमसी के साथ उनके मंच पर दिखाई देते रहे हैं। इस बात को लेकर उनका पार्टी नेतृत्व के साथ रिश्ता बहुत खराब हो गया था। अब पार्टी ने उन्हें पटना साहिब से उम्मीदवार नहीं बनाया है, जबकि पटना साहिब से वो वर्तमान में भाजपा सांसद हैं।